आप मेयर पद के लिए आज पर्चा दाखिल किए हैं, लेकिन नगर निगम में बहुत सारी समस्या है। क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है, जैसे जाम को लेकर कहिए, नाला को लेकर कहिए। बोल रहे पहले रोड और नाला, यही मेरी प्राथमिकता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद शिक्षा और बेगूसराय को दर्शनीय स्थान बनाना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सब सबको ठीक करना और गरीब का सहायता करना। अच्छा, एक और समस्या है, जैसे कि खेल का मैदान बेगूसराय। हाँ, वही तो। हाँ, प्ले ग्राउंड भी हमको सही कराना है। तो क्या कोच बाहर से मंगवा के और खिलाड़ी को हमको तैयार करना है ओलंपिक के लिए। क्या नाम हुआ? रजनी गुप्ता का। सब का होगा, सबका भला होगा। लेकिन बेगूसराय में तमाम बहुत सारे लोग खड़े हैं अभी मेयर पद के लिए, सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। क्या कहेंगे, जनता का सपोर्ट इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जनता का इनको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जनता का पूरा 45 वार्ड में इनका सहयोग है और ये 45 वार्ड में अपने अपने घूम के अपने अपने क्षेत्र में ये अपना प्रचार कर रही हैं और जनता का भरपूर सहयोग इनके साथ है और समर्थन जनता का है। अच्छा, इनका प्राथमिकता रहेगा बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में टूटा हुआ सड़क और टूटा हुआ नाली को बनाना, ये प्राथमिकता में है। अच्छा। सबसे पहले दूसरा प्राथमिकता में इनका ये है कि ई रिक्शा को आज जो ये 15 रुपया डेली लग रहा है और जब जगह जगह उसको मार दिया जाता है, मारपीट करता है, उसको ये ख़त्म करेंगे। जीतने के बाद ये मंथली जैसे 15 रुपया डेली के हिसाब से 450 का महीना पड़ता है, इनका कोशिश रहेगा कि 100-150 रुपया महीना में उनको चालान दे दिया जाए, बड़ महीना वो चलाते रहेंगे। और नगर निगम जो इतना टैक्स लगा देती है, नया टैक्स लगाती है, उस टैक्स को कवर करना है और उसको कम करना है जिससे कि नगर वासियों को उससे सहूलियत मिल सके। और इनका जो फंड आएगा तो सबसे पहले है कि मान लीजिए बेगूसराय में खेल कूद के लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी सरकारी ज़मीन में ये एक खेल कूद का अपना क्रीड़ा भवन बनाएंगे और यहाँ पर से खिलाड़ी को ये चाहेंगे कि राज्य स्तरीय इंडिया के लेवल पर और ओलंपिक के लिए तैयार करें। अच्छा, जैसे कि बेगूसराय के जनताओं को बार बार झेलना पड़ता है जल निकासी से, जाम लग जाती है बेगूसराय के मुख्य मार्ग में, उसके लेकर क्या? उसके लिए ये जाम लगता है, उसके लिए वन वे ये करवाएंगे, जैसे काली स्थान से लेकर हर महादेव तक चौक तक भयंकर जाम रहता है, ट्रैफिक चौक से लेकर जेल चौक तक ज़्यादा जाम रहता है, इसको वन वे करना है। या तो फ्लाई ओवर बना के डायरेक्ट गाड़ी जो निकलेगा वो डायरेक्ट निकलेंगे, बाद बाकी अपना वो नीचे से जाएंगे, फ्लाई ओवर का निर्माण करवाना है। और ये हमारा कहना है अब जनता को चुनने के लिए जैसा कि स्वीकृति मिल गया है। हाँ। और पहले क्या था कि वार्ड पार्षद जो है मेयर उप मेयर चुना। देखिए पहले क्या होता था कि जनता जो वार्ड पार्षद चुनती थी वही वार्ड पार्षद मेयर को चुनते थे, वो उसमें बहुत बड़ा बात होता है जो कि खोलना वाजिब नहीं है, लेकिन अब जो है जनता के थ्रू ही मेयर चुनाएंगे जो कि जनता के काम में और जनता की भलाई में वो काम करेंगे। इसके लिए सरकार को आप किस नज़रिए से? सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार का ये बहुत अच्छा ही प्रोग्राम निकला कि मेयर और उप मेयर जनता से ही चुने, जिससे कि बीच का जो बिचौलिया है वो ख़त्म हो जाए और वो अपने रूप से काम करेंगे, जिससे कि वो अपने ढंग से काम करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? राम रतन कुमार।